डिजी लॉकर एक सरकारी लॉकर है जो कि हर एक भारतीय को दिया गया है 1 GB फ्री स्पेस के साथ, जिसमें आप अपने सभी तरह के डॉक्यूमेंट्स को सेव करके रख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। डिजी लॉकर की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका डिजी लॉकर में रखा हुआ है तो आपको ओरिजिनल अपने साथ रखने की ज़रूरत नहीं है। आप डिजी लॉकर में रखा हुआ डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन के लिए दिखा सकते हैं, वो पूरी तरीके से वैलिड है। जैसे कि अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है और आपके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस या ओरिजिनल RC नहीं होती है, तो आप डिजी लॉकर में रखे हुए ड्राइविंग लाइसेंस या RC को भी दिखा सकते हैं, इससे आपका चालान नहीं होगा। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ कि डिजी लॉकर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे सेव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले स्टोर से आपको डिजी लॉकर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओपन करने पर आपके सामने ये स्क्रीन आ जाती है। यहाँ आपको साइन अप पर क्लिक करना है, लेकिन अगर आपने पहले से अकाउंट बनाया हुआ है तो आप यहाँ डायरेक्ट साइन इन करेंगे। तो चलिए, हम न्यू हैं तो हम यहाँ साइन अप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और कंटिन्यू करना है। आपके पास एक OTP सेंड किया गया है, वो OTP आपको यहाँ डालना है और वेरीफाई करना है। यहाँ पर आप एक ईमेल आईडी डाल दीजिए और यहाँ पर आप एक पासवर्ड चूज कर लीजिए और यहाँ पर पासवर्ड को कंफर्म करिए। आपका पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए ताकि कोई उसको गैस न कर पाए। यहाँ साइन अप पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आप एक मोबाइल पिन सेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम आपको लॉग इन करने के लिए पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल पिन डालकर डायरेक्ट लॉग इन कर सकते हैं। यहाँ सेट पिन पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ पर ऑन कर देंगे। यहाँ पर एक पिन डालेंगे जो भी आप सेट करना चाहते हैं। दोबारा से यहाँ पर पिन डालेंगे ताकि वो कंफर्म हो जाए। और देखिए, यहाँ पर पिन सेट हो चुका है। अब अगर हम डिजी लॉकर एप्लीकेशन को ओपन करें तो यहाँ पर आपको वही पिन डालना पड़ेगा जो आपने सेट किया था। पिन डालेंगे और आप इसमें डायरेक्ट लॉग इन हो जाएंगे। डिजी लॉकर में सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड लिंक करना होगा। इसके लिए आप यहाँ लिंक योर आधार पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पर कंसेंट देंगे और कंटिन्यू करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया गया है, वो OTP आपको यहाँ पर डालना है। OTP डालने के बाद कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर देखिए, आपका आधार कार्ड डिजी लॉकर के साथ लिंक हो चुका है। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जितने डॉक्यूमेंट्स के साथ भी आपका आधार कार्ड लिंक है, वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। आपको स्कैन करने की या अपलोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो देखिए, यहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, इश्यूड डॉक्यूमेंट्स और अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स। डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट्स रखने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जिन डॉक्यूमेंट्स के साथ आधार कार्ड लिंक है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएंगे, और दूसरा तरीका ये है कि आप डॉक्यूमेंट्स को यहाँ स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। पहले यहाँ पर हम इश्यूड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपके सभी डॉक्यूमेंट्स को फेच कर लेगा। जैसे कि अभी आपका आधार कार्ड यहाँ पर आ चुका है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए, आपका आधार कार्ड डिजी लॉकर में आ चुका है। इसी तरीके से आपके जितने डॉक्यूमेंट्स के साथ भी आधार कार्ड लिंक है, उन्हें आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर बस आप उस डॉक्यूमेंट का नाम डालेंगे, अगर वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होगा तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर आप अपनी 10-12 की मार्कशीट, अपना इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट या कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो आपका वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा, आपको स्कैन करने की या अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो मेन्यू में दूसरा ऑप्शन दिया गया है अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स का, आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ फोल्डर्स बने हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स और माय सर्टिफिकेट्स। अगर आप कोई और फोल्डर यहाँ बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ फोल्डर आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से फोल्डर का नाम चूज करेंगे और ओके कर देंगे तो आपका फोल्डर यहाँ पर बन जाएगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अलग अलग फोल्डर्स यहाँ पर बना सकते हैं। जैसे कि माय सर्टिफिकेट्स, इसमें आप अपने सर्टिफिकेट्स रख सकते हैं। आप यहां पर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स नाम का फोल्डर बनाकर उसमें अपनी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। अभी जैसे मुझे अपने सर्टिफिकेट्स यहां पर रखने हैं तो माय सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। यहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए यहां अपलोड आइकन पर क्लिक करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना होगा। स्कैन करने के लिए आप अपने मोबाइल फोन में फोटो स्कैन नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट को स्कैन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास हाई स्कूल की एक मार्कशीट है, इसको मैं यहाँ पर स्कैन कर लेता हूँ।
यहाँ पर देखिए मैं हाई स्कूल की मार्कशीट को स्कैन कर चुका हूँ। फोटो स्कैन एप्लीकेशन से काफी अच्छी स्कैनिंग होती है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। इसके बाद हम आएंगे डिजी लॉकर में, यहाँ अपलोड आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ फाइल चूज करेंगे और जहां पर भी हमारी मार्कशीट रखी हुई है वहां से हम उसको चूज करेंगे। फोटो स्कैन एप्लीकेशन से आप जो भी डॉक्यूमेंट्स स्कैन करते हैं वो आपको यहाँ DCIM में मिलेंगे। DCIM में आपको फोटो स्कैन नाम का फोल्डर मिल जाएगा और इसमें आपको यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे जो आपने स्कैन किए हैं। जैसे कि यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट को हम चूज करेंगे और यहाँ अपलोड पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर देखिए मार्कशीट अपलोड हो रही है। अपलोड होने के बाद देखिए यहाँ पर ये आ चुकी है, इस पर क्लिक करके हम इसको देख सकते हैं। यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपको मेन्यू मिल जाएगा, यहाँ से आप लिंक शेयर कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। जैसे कि रीनेम पर क्लिक करके हम यहाँ पर इसको एक नेम दे देते हैं, 10th, ओके करेंगे। यहाँ पर इसका नेम चेंज हो चुका है। यहाँ से आप इसको किसी और फोल्डर में मूव कर सकते हैं और आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपने सभी सर्टिफिकेट्स को अपलोड कर सकते हैं। फोटो स्कैन एप्लीकेशन की हेल्प से आप स्कैन करिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। इसमें यहाँ पर आपको एक QR कोड स्कैनर भी दिया जाता है, जिससे आप कोई भी QR कोड स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि डॉक्यूमेंट असली है या नकली है। तो इसका यूजर इंटरफेस काफी सिंपल है। ये है डैशबोर्ड जहाँ पर आपको नोटिफिकेशन शो होती है। यहाँ पर ये है इश्यूड, जिसमें आपके इश्यूड डॉक्यूमेंट शो होते हैं। जैसे कि अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ आपका आधार कार्ड लिंक है तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पर शो होगा। ऐसे ही जितने भी आपके ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके साथ आधार कार्ड लिंक है वो सभी यहाँ पर शो होते हैं। आपको अलग से उन्हें अपलोड करने की जरूरत नहीं होती। डॉक्यूमेंट्स को सर्च करने का तरीका वही रहेगा जैसे कि मैंने आपको बताया। इश्यूड में आएंगे, नीचे यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डिपार्टमेंट का नाम डाल देंगे जिससे आपको डॉक्यूमेंट सर्च करना है। जैसे कि यहाँ पर हम डाल देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे, जैसे कि हमें पैन कार्ड यहाँ पर चाहिए, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डाल देंगे। नीचे यहाँ पर नाम डाल देंगे, पैन कार्ड पर क्या नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर अपनी कंसेंट देंगे और गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब इश्यू डॉक्यूमेंट्स में 2 आ चुका है, मतलब कि एक डॉक्यूमेंट और यहाँ पर आ चुका है, वो है पैन कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये डेटा फेच करेगा और देखिए यहाँ पर पैन कार्ड आ चुका है। इसी तरीके से आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहते हैं यहाँ पर स्कैन करके उनको फेच कर सकते हैं। अगर वो आधार कार्ड के साथ लिंक है तो ऐसे ही आ जाएंगे, और अगर आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो उन्हें आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर में रखा हुआ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल के बराबर तभी माना जाएगा जब वो इश्यू डॉक्यूमेंट में शो हो। जैसे कि अगर आपको ट्रैफिक पुलिस कहीं पर पकड़ लेती है और आपके पास ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस या ओरिजिनल RC नहीं होती है, तो आप डिजी लॉकर में जो इश्यू डॉक्यूमेंट में ड्राइविंग लाइसेंस या RC होती है वो भी दिखा सकते हैं, वो पूरी तरीके से वैलिड है। लेकिन अगर आप स्कैन करके डिजी लॉकर में रखते हैं तब वो वेरिफिकेशन के लिए वैलिड नहीं होगा। अपलोड करके डिजी लॉकर में जो डॉक्यूमेंट्स आप रखते हैं वो सिर्फ आपके लिए होते हैं कि आप उनको बाद में कभी भी प्रिंट करके यूज कर सकें। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।